वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रेक्शन बाय सिंगल स्लिट रॉनोफर डिफ्रेक्शन, रॉनोफर ने ये अरेंजमेंट किया था, एक स्लिट बनाई जिसकी विड्थ ये है, ए की वैल्यू लेस देन लैम्डा या लैम्डा के इक्वल होनी चाहिए, तभी डिफ्रेक्शन होता है, तभी शैडो में लाइट पहुंच के फ्रिंजेस बनती हैं शैडो में, जैसे ये इसके सामने ये शैडो होगी, इसके सामने ये शैडो में लाइट पहुंचकर फ्रिंजेस बनती हैं, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंजेस। उसके लिए ये जो स्लिट विड्थ है वो लैम्डा से कम या इक्वल होनी चाहिए। लैम्डा मतलब यहाँ जो मोनो क्रोमेटिक लाइट है, इस लाइट सोर्स से जो लाइट एमिट हो रही है उस लाइट की जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ से स्लिट की विड्थ कम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट किया है। इस अरेंजमेंट में क्या है, फोकस इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पॉइंट पर एक लाइट सोर्स रखा, मोनोक्रोमेटिक सोर्स। तो जब फोकस पॉइंट पे लाइट सोर्स है तो इससे रिफ्लेक्शन के बाद, लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल रेज हो जाएंगी, और पैरेलल रेज जब इस स्लिट पर इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट होती हैं, तो आफ्टर डिफ्रेक्शन जो रेज है उन रेज को हम स्क्रीन पर फोकस करने के लिए एक अगेन कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, तो स्क्रीन पर फोकस होकर हमें फ्रिंजेस दिखाई देती हैं। इन फ्रिंजेस के लिए हम कहें फर्स्ट फ्रिंज कहाँ पर बनेगी, फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ पर बनेगी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ पर मिलेगी, तो फर्स्ट मिनिमा के लिए, फर्स्ट मिनिमा के लिए क्या है, इस स्लिट को दो पार्ट पे ऐसे भी तोड़ लेते हैं जिनसे एमिट होने वाली जो एमिट होने वाले जो वेवलेट्स हैं या कहते हो वेव है उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बाय टू का है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल पार्ट डिफरेंस लैम्डा का हो जाएगा, स्पॉन्स और स्पॉन्स से एमिट होने वाली जो वेव है उसके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा का हो जाएगा। और वैसे पार्ट डिफरेंस ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से अपन निकालें तो जैसे ये थीटा है तो ये थीटा आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो पार्ट डिफरेंस है इसकी वैल्यू आएगी ए साइन थीटा, यहां से यहां तक। तो ए साइन थीटा जैसे फर्स्ट मिनिमा के लिए बात करें तो फर्स्ट मिनिमा में क्या है, यहां से जितनी भी एमिट हो रही है वेव्स और यहां से एमिट हो रही है उनके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय टू का है, तो फिर वो एक दूसरी लाइट को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर मिनिमा में बनेगा। तो फिर यहाँ से यहाँ तक पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ के बीच लैम्डा बाय टू, यहाँ से के बीच लैम्डा बाय टू, तो यहाँ से यहाँ के बीच कितना हो गया लैम्डा का हो गया। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए ये जो पार्ट डिफरेंस है ये साइन थीटा वन इक्वल टू लैम्डा, तो साइन थीटा वन इक्वल टू ये नीचे चला गया लैम्डा के, तो थीटा वन की वैल्यू आ गई, मतलब एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा आ गया है। ऐसे सेकंड मिनिमा के एंगुलर पोजीशन निकालें स्क्रीन के ऊपर, तो वो सेकंड के लिए इसको स्लिट को चार ऐसे पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है जबकि जिनसे एमिट होने वाली जो वेव है, जिनसे एमिट होने वाली जो वेवलेंथ्स हैं उनके बीच में करस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय टू लैम्डा बाय टू लैम्डा बाय टू लैम्डा बाय टू का है, तो टोटल हो जाएगा टू लैम्डा। तो ए साइन थीटा टू इक्वल टू टू लैम्डा, देखो ऐसे चार पे डिवाइड कर सकते हैं इस पूरी स्लिट को, ये पूरी स्लिट की विड्थ है ए, है ना। तो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एमिट होने वाली के बीच लैम्डा बाय टू, फिर इससे और इसके बीच लैम्डा बाय टू, फिर इससे और इसके बीच लैम्डा बाय टू, कितने पार्ट हुए अभी, एक दो तीन, एक पार्ट और होगा चार। इससे इसके बीच लैम्डा बाय टू, देखो लैम्डा बाय टू ये हो गया, लैम्डा बाय टू ये हो गया, लैम्डा बाय टू, फिर लैम्डा बाय टू,
तो चार पार्ट, जब चार पार्ट में हम डिवाइड करते हैं ए विड्थ को, तो लेमड़ा बाई टू लेमड़ा बाई टू लेमड़ा बाई टू लेमड़ा बाई टू, तो यहाँ से यहाँ तक जब हम पॉइंट लेंगे तो इनके अक्रॉस तो पार्ट डिफरेंस होगा बिल विड्थ के बीच में, तो लेमड़ा बाई टू चार बार एड होगा तो टू लेमड़ा हो जाएगा, और वैसे पार्ट डिफरेंस कितना है ये साइन थीटा। सेकेंड मिनिमा की पोजीशन है इसलिए थीटा को थीटा टू मान लेते हैं, तो ए साइन थीटा टू इज इक्वल टू टू लैम्डा, तो ये थीटा टू की वैल्यू आ गई। ऐसे ही एंथ के लिए, जैसे फर्स्ट मिनिमा के लिए लैम्डा, सेकेंड मिनिमा के लिए टू लैम्डा, तो एंथ मिनिमा के लिए एन लैम्डा, उसकी एंगुलर पोजिशन को हम थीटा एन मान लेते हैं, तो ये साइन थीटा आ गया, फिर थीटा एन इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स की फॉर्म में थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब हम मैक्सिमास के लिए बात करें, तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए सिलिट को ऐसे तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है जिनसे एमिट होने वाली जो वेव है उनके बीच में पार्ट डिफरेंस लेमड़ा बाई टू लेमड़ा बाई टू का है, तो फिर ये टोटल कितना हो गया तीन बार यहां से यहां तक की पूरी सिलिट, तो सिलिट के एंड मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट ए बिट हो गई, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से एमिट होने वाली जो वेव है उनके बीच में पार्ट डिफरेंस लेमड़ा बाई टू लेमड़ा बाई टू लेमड़ा बाई टू तीन बार एड होके कितना हो गया थ्री लेमड़ा बाई टू। अब जैसे ये वाला और ये वाले पॉइंट के बीच में लेमड़ा बाई टू का है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी लेमड़ा बाई टू का, तो फर्स्ट और सेकेंड से एमिट होने वाली जो वेव है उनके बीच में पार्ट डिफरेंस लेमड़ा बाई टू का रहेगा, इसलिए वो दोनों लाइटें कैंसिल हो जाएंगी, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट से एमिट होने वाली लाइट आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो थर्ड पार्ट से लाइट एज इट इज पहुंचेगी, तो थर्ड पार्ट से लाइट एज इट इज पहुंचेगी, तो उसको कैंसिल करने वाला चौथा पार्ट हमने यहाँ माना नहीं, तो चौथे तीसरे पार्ट से एज इट इज लाइट पहुंचकर ब्राइट फ्रिंज बनाएगी। तो फर्स्ट मैक्सिमा को एक्सप्लेन करने के लिए हम स्लिट को कितने ऐसे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जिनसे फर्स्ट मिनिमा वाले पॉइंट पर, फर्स्ट मैक्सिमा वाले पॉइंट पर ब्राइट बन रहा है, तीन पार्ट में डिवाइड माना जा सकता है। ऐसे सेकंड मैक्सिमा को एक्सप्लेन करने के लिए इस स्लिट को ऐसे पांच पार्टों में डिवाइड माना जा सकता है जिनसे लाइट पहुंच रही है, तो चार तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे पहले दूसरे तीसरे चौथे, तो पांचवे से लाइट पहुंचेगी, तो पांचवा पार्ट जो है थर्ड पार्ट से जब पहुंच रही थी उसके कंपैरिजन में पांचवे पार्ट की जो इंटेंसिटी थोड़ी कम होगी। ऐसे ही थर्ड मैक्सिमा को एक्सप्लेन करने के लिए सात पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो पहले छह आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो सातवें पार्ट से लाइट पहुंचेगी, सातवें पार्ट की इंटेंसिटी और कम होगी तो तीसरे मैक्सिमा की इंटेंसिटी और कम हो। इस तरीके से मैक्सिमाज को एक्सप्लेन करने के लिए, ब्राइट फ्रिंजेस को एक्सप्लेन करने के लिए तीन पार्ट फिर पांच पार्ट सेवन पार्ट में डिवाइड करके स्लिट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो जैसे फर्स्ट मैक्सिमा के लिए तीन पार्ट में डिवाइड किया तो थ्री लैम्डा बाई टू, तो पार्ट डिफरेंस थ्री लैम्डा बाई टू, फर्स्ट मैक्सिमा की जो एंगुलर पोजिशन है स्लिट से वो थीटा वन डैश एज्यूम कर लिया है, तो ये थीटा वन डैश, तो ये भी थीटा वन डैश, तो थीटा वन डैश की वैल्यू आ गई आपकी साइन इनवर्स की फॉर्म में। ऐसे सेकंड मैक्सिमा के लिए पांच पार्ट में डिवाइड किया लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू के पार्ट डिफरेंस वाले, तो फाइव लैम्डा बाई टू ये साइन थीटा टू उसकी पोजिशन वाली एंगुलर हमने थीटा टू डैश, तो साइन थीटा टू डैश ये नीचे चला गया टू हो गया, और साइन को इधर ले जाएंगे तो थीटा टू डैश इज इक्वल टू साइन इनवर्स फाइव लैम्डा बाई टू। अब एंथ मैक्सिमा के लिए जैसे यहाँ पे थ्री लैम्डा बाई टू है या फाइव लैम्डा बाई टू है, तो एंथ के लिए थ्री और फाइव ये तो वैल्यूज है जनरल फॉर्म बनाने के लिए, तो इसको जनरल फॉर्म में टू एन प्लस वन लिखा जा सकता है, तो एन की वैल्यू वन लिखेंगे तो टू इन टू वन प्लस वन थ्री बन जाएगा, टू लिखेंगे टू टू जब फोर प्लस वन फाइव बन जाएगा, तो ये एंथ जनरल फॉर्म आ गया, ए को टू के नीचे ले जाएंगे, तो ये अपना थीटा एन डैश क्या चीज है एंथ मैक्सिमा की एंगुलर पोजिशन, तो थीटा एन डैश की वैल्यू ये आ गई, तो एंगुलर पोजिशन ऑफ एंथ मिनिमा
कितनी है ये वाली जो निकाली लास्ट में साइन इनवर्स एन लैम्डा अपॉन ए, और एंथ पोजीशन के एंथ मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन कितनी निकाली, ये निकाली साइन इनवर्स 2n + 1 लैम्डा / 2a। तो ये दोनों फॉर्मूले मिनिमा के लिए एंगुलर पोजीशन और मैक्सिमा के एंगुलर पोजीशन जनरल फॉर्म में आपको प्रॉपर याद होना चाहिए। तो देखो बच्चों मिनिमा को कैसे एक्सप्लेन किया, इवन नंबर में डिवाइड करके 2, 4, 6 इस तरीके से, और मैक्सिमा को कैसे एक्सप्लेन किया स्लेट को ओड नंबर में डिवाइड करके 3, 5, 7, 9 इस तरीके से। ठीक है, तो ये फ्रॉनोफर डिफ्रेक्शन है, इस तरीके का डिफ्लेक्शन डिफ्रेक्शन अरेंजमेंट फ्रॉनोफर साइंटिस्ट ने किया था।